चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन को बहुत बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका ने कहा है अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा हम चीनी घुसपैठ पर विरोध जताते हैं। पिछले दिनों चीन ने प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर भी विरोध जताया था। Recently, Prime Minister Modi has visited the Indian state of Arunachal Pradesh, and as a reaction, the Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin has said that China strongly deplores and firmly opposes the Indian leader's visit to east section of China-India boundary. I want to get your comment on that. And the United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. तो आपने वेदांत पटेल को सुना, उन्होंने साफ तौर पर दो टूक कहा है। चीन को एक बहुत बड़ा मैसेज है, चीन को अमेरिका का डायरेक्ट मैसेज है। अमेरिका ने क्या कुछ कहा है आइए अब हम आपको बताते हैं। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है, चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार किसी भी सैन्य अतिक्रमण या घुसपैठ के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये अगर सुपर पावर देश अमेरिका की तरफ से दो टूक कहा गया है तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन एक तरह से ये उकसावे की कार्रवाई भी हो सकती है। क्या चीन, अब चीन क्या करेगा, सबकी नजरें इस पर होंगी। बिल्कुल, देखिए 9 मार्च को प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और उसके बाद से लगातार चीन की तिलमिलाहट देखने को बनती है। पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्तिजनक बयान दिया, फिर चीन के रक्षा मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा, और इस मामले में चीन को काफी लताड़ भी लगाई थी। लेकिन चीन वहीं रुका नहीं है। अब चीन के पत्रकार जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं उसके जरिए जानबूझकर इस तरह के मुद्दे को व्हाइट हाउस में सवाल पूछकर, दरअसल चीन की मंशा यही है कि अरुणाचल प्रदेश को एक विवादित हिस्सा बताया जाए, जबकि पूरी तरह से वो एक गैर विवादित हिस्सा है, वो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। लेकिन चीन की कोशिश लगातार ऐसी बन रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत और तमाम सहयोगी देश, चाहे अमेरिका और दूसरे देश, अब इन सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम हिस्से जो चीन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ताइवान हो, सिंजियांग हो या तिब्बत हो, उन सब पर भी अब राजनीतिक दबाव बढ़ाया जाए, तभी शायद चीन को समझ में आएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष।